एक और बड़ी खबर है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर एमएसपी कानून की मांग पर अड़े हैं किसान, आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। चंडीगढ़ पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनका बड़ा बयान कि किसान आंदोलन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा है, किसानों की टूट का फायदा उठा रही है सरकार, संयुक्त मोर्चा भी बातचीत में शामिल हो, ये भी उन्होंने मांग उठाई है। सरकार ने किसान आंदोलन को ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है, किसानों के ऊपर ड्रोन अटैक का ट्रायल किया जा रहा है, राकेश टिकैत का ये बयान जो कि चंडीगढ़ पहुंचे हुए। बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं और आप लोग क्यों नहीं साथ हैं? हम साथ में हैं, सब लोग साथ हैं, इस आंदोलन के बाहर भी आंदोलन चल रहे हैं, पूरा देश में आंदोलनरत है। यहाँ की जो घटना हुई वो दुखद घटना है और इन किसानों के साथ में हम हैं। क्या आपको लगता है कि एक एकजुट होते किसान, जैसा हमने देखा पिछले आंदोलन में आप लोग सब लोग इकट्ठे थे तो इम्पैक्ट ज्यादा होता, और यहाँ जो संगठन है वो सिर्फ ज्यादा पत्थर पंजाब के? बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए, देश की कॉल है तो पूरे देश के किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए। जो लोग दिल्ली के बॉर्डर से वापसी आया था तो संयुक्त किसान मोर्चा आया था, संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा रहना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, उसी टूट का फायदा ये उठा रहे हैं, सरकारें उसी का फायदा उठाती है। आज भी हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होकर बातचीत करें, और कोई कॉल इकट्ठी दे उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सरकारों के ऊपर। आपने कहा कि पंजाब को अलग थलग किया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमें सुन रहे हैं हम वीडियो में, उसमें सब देख रहे हैं, सिख कम्युनिटी को अलग करा जा रहा, पंजाब को अलग करा जा रहा, ये लगता है पूरे देश में एक माहौल खराब करने की साजिश एक रच रही है, खास करके पंजाब के खिलाफ। हमने देखा कि बहुत सारे किसान भी घायल हुए, एक मौत खनौरी बॉर्डर पर हुई है, हरियाणा पुलिस कह रही है कि हमारे ऊपर भी किसान हमला कर रहे हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल। ऐसा नहीं, कोई हमला किसान कोई हमला नहीं करता,